लेना है, कोई प्रेशर नहीं लेना है, खेलेंगे जी जान से खेलेंगे, रिजल्ट अपने आप आएगा। क्या बात है, ऑल द बेस्ट, जी जान से जरूर खेलेंगे। तो टॉस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, एमसी मुंबई की टीम ने टॉस यहाँ पे जीतने के बाद पहले निर्णय लेके हम गेंदबाजी करेंगे और बल्लेबाजी का न्योता दिया है वो एसएस 11 लीजेंड्स की टीम के कप्तान को, थैंक यू सो मच। चलते हैं और कमेंट्री बॉक्स में जुट जाएंगे जैसे ही पहली मैच यहाँ पे शुरू हो जाएगी। आइए जुड़ते हैं हमारे बहुत ही बेहतरीन कॉमेंटेटर, हिंदी की बेहतरीन आवाज, मीठी आवाज, जिनका पिछले साल आपने कॉमेंट्री सुना था और उनको डिमांड था कि ये कॉमेंटर हमको चाहिए, तो आइए सुनते लोकेंद्र ओझा की आवाज अब पहले सत्र में। थैंक यू। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभम निर्विघ्नम कुरुमे देवो सर्व कार्येषु सर्वदा। सर्वप्रथम मैं अपने दादा दादी माता पिता उनको नमन करता हूँ, भगवान श्री गणेश जी के चरणों में वंदन करता हूँ। महाराष्ट्र के आराध्य देवत वीर छत्रपति शिवाजी महाराज जी उनका वंदन करते हुए आप सभी लोगों का इस महावीर प्रीमियर लीग के इस संस्करण में पहले दिन में तहे दिल से स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों कहते हैं मंजिलें उनको नहीं मिलती जिनके सपने बड़े होते हैं, मंजिलें उनको नहीं मिलती जिनके सपने बड़े होते हैं, ये उन्हीं को मिलती है जो उन सपनों को पाने की जिद पर अड़े होते हैं। तो एक बार फिर से हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं, आज पहला दिन और कल दो दिन तक इस महावीर प्रीमियर लीग का। चारों तरफ आप देखेंगे क्रिकेट की गूंज सुनाई देंगी और मेरे साथ पूरे महाराष्ट्र के मराठी के सुप्रसिद्ध और सबसे लोकप्रिय क्रिकेट कमेंटेटर में से एक हैं आदरणीय श्री प्रसाद परब जी, जो कि सुप्रीमो चषक मुंबई का सबसे बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट होता है वहाँ पर कॉमेंट्री करते हैं। और अभी रिसेंटली जो पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट स्वर्गीय रतन बुआ चषक होता है उसमें लगातार 11वें साल तक वो अपनी सेवाएं वहां पर देते रहे हैं। तो अब जो पहला मुकाबला खेला जाएगा यहां पर टॉस की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और आपसे रूबरू होंगे कुछ ही पलों के बाद।
आइए दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं महावीर प्रीमियर लीग 24 पहला दिन, पहला मुकाबला आमची मुंबई वर्सेस एसएस 11 लीजेंड्स। इन दो टीमों के बीच में यहां पर मुकाबला खेला जाएगा, जिसमें टॉस जीता आमची मुंबई ने और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। उनके कप्तान यहां पर गेंदबाजी की कमान संभालेंगे। एक्स्ट्रा प्लेयर हमें भेज दें प्लीज, एक्स्ट्रा प्लेयर, एक्स्ट्रा प्लेयर भेज दें प्लीज सर, नाम के लिए भेज दें, अदरवाइज मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज में दिक्कत होगी। दोनों टीम के एक एक प्लेयर, ताकि गेंदबाज और बैटर उनका नाम हमको पता चल सके। मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, जहां संघा का सामना शुरू हो जाए, जो भी टीम का मैच शुरू होगा, दोनों टीम का एक्स्ट्रा प्लेयर तुरंत कमेंट्री बॉक्स में आना चाहिए। प्लेयर का नाम अपडेट होना जरूरी है। इस टूर्नामेंट आप देख रहे हैं कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए ई साइकिल है, तो किसके हाथ में एक साइकिल जाएगी, नाम किसी का नहीं मेंशन किया जाएगा, इसके लिए जिम्मेदार हम नहीं है, कैप्टन खुद जिम्मेदार रहेगा। तो रिक्वेस्ट है कि सभी टीम का, सभी टीम के रिक्वेस्ट है कि आपका एक एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में आपको भेजना है तुरंत। करंजीत पहली गेंद, महावीर प्रीमियर लीग की पहली गेंद यहां पर डालते हुए इंतजार करते हुए, और सामने है ओपनर बैटर। स्ट्राइक एंड पर धीरज, तो बस कुछ ही पलों का इंतजार और उसके बाद आपको लिए चलेंगे हम इस महावीर प्रीमियर लीग के आज पहले दिन के पहले मुकाबले में। तो आइए दोस्तों, लाइव मुकाबले में चलते हैं आमची मुंबई वर्सेस एस 11। तालियां पहले दिन का पहला मुकाबला, पहली गेंद करणजीत वर्सेस धीरज, पहला मुकाबला पहली गेंद। महावीर प्रीमियर लीग के इस पहले दिवस में आप सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, और ओपनर यहां पर ओपनर बैटर धीरज, एस 11 लेजेंड्स उनके टीम के ओपनर बैटर, पहली गेंद का इंतजार करते हुए गेंदबाज करणजीत। और यह पहली गेंद, अच्छी गेंद, गुड लेंथ डिलीवरी थी, बैक फुट पर गए, पंच दिया था और गेंद को गैदर कर लिया गया सिली मिड ऑन के रीजन में। और यह दूसरी गेंद, दिशा से भटके थे, कुछ हटके करने का प्रयास था, रडार के बाहर, लेग स्टंप के बाहर, वाइट करा दी गई। खाता खुलता हुआ महावीर प्रीमियर लीग के पहले मैच का पहला रन। और ये गेंद भी एक बार फिर से बैक टू बैक वाइट, दो रन जुड़ते हुए टोटल स्कोर में, और अंपायर के लिए सुबह सुबह एक्सरसाइज करने का बेहतरीन मौका। और यह ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद, और बल्ले का मुंह खोलते हुए पर दिशा भर दी गेंद को, गेंद जाती हुई शॉर्ट पॉइंट के रीजन में, और मौका था एक रन यहां पर हासिल करने का। बल्ले से निकलता हुआ पहला रन टीम एसएस 11 लेजेंड्स उनकी टीम के लिए। और अगले बैटर, और ये एक बार फिर से इस ओवर की तीसरी व्हाइट, ऑफ स्टंप के बाहर थी, बैटर संतोष उन्होंने परखा, देखा और जैसे पता चला रडार के बाहर गेंद जा रही है, तो कोई छेड़खानी नहीं करी, गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के पास, एक और रन जुड़ता हुआ टोटल स्कोर में टीम एसएस 11 के लिए। और यह देखा गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद 3D के लिए जाते हुई बैट के नीचे, कमाल का हिट यहां पर लगाने के साथ तीसरा रन अर्जित करते हुए, और उसी के साथ स्कोर पहुंचता हुआ टोटल
सात रन के घर पे आंकड़ा पहुंचता हुआ और जबरदस्त अंदाज में एसएस 11 लेजेंड्स उनकी टीम यहां पर दोनों ओपनर बैटर अच्छी भूमिका निभाते हुए। ओ क्लीन बोल्ड, फ्रंट फुट पर ड्राइव करना चाहते थे, बल्ले का किनारा लेते हुए क्लीन बोल्ड। स्टंप्स में लगी और बैटर को किनारे लगाते हुए पहले विकेट का पतन, पहली सफलता टीम आमची मुंबई के लिए आज, जिन्होंने टॉस जीता था, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था। करणजीत उनके टीम के कप्तान हैं और यहां पर ओपनिंग गेंदबाज की भूमिका निभाते हुए पहली सफलता दिलाते हुए अपनी टीम के लिए पहला आगाज दिलाते हुए और यह मैसेज देते हुए कि अब हमारी बारी है। तो टोटल स्कोर की अगर हम बात करें तो अभी 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर चल रहा है। 6-6 ओवर के ये मुकाबले खेले जाएंगे, लीग फॉर्मेट पर ये टूर्नामेंट खेला जाएगा और टॉप 4 टीमें आगे के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो बहरहाल यहां पर कुछ और एक्स्ट्रा करने के प्रयास में एक और एक्स्ट्रा, लेग स्टंप के बाहर से भी बाहर गेंद व्हाइट के रूप में, एक और रन जुड़ता हुआ आंकड़ा पहुंचता हुआ 8। और ये देखिए गेंद का इंतजार किया था और पैरों में शायद चोट लगी है, प्लीज उनको चेक करें। तो बहरहाल बैक फुट पर दिशा भर दी गेंद, शॉट स्क्वायर लेग के रीजन में, यहां पर एक और रन जुड़ता हुआ, चोट लगी है तो थोड़ा ध्यान दीजिए। गेंद को रोकने का प्रयास था वहां पर और जिनकी वजह से उनके पैरों में हल्की सी चोट लगी है, तो ध्यान रखिए अपना और पूरे सावधानी पूर्वक खेलिए। तो बहरहाल आइए एक बार फिर से चलते हैं, टोटल स्कोर पहुंचा हुआ 9 रन के घर पे धीरज स्ट्राइक लेंगे एक बार फिर से ओपनर बैटर टीम एसएस 11 लेजेंड्स। और ये एक बार फिर से लेग स्टंप पर बाहर थी, एक और रन जुड़ता हुआ टोटल स्कोर में और इसी के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 10 के घर पे। अच्छी शुरुआत यहां पर एसएस 11 लेजेंड्स उनके लिए। और ये देखिए पूरा सम्मान दिया गेंद को, ऑफ स्टंप पर थी और जो उनके दिमाग में ये था कि रन ऑलरेडी बन चुके हैं। तो वक्त है ब्रेक का और वक्त है म्यूजिक का। ब्रेकफास्ट काउंटर अभी भी चालू है, अगले 1 घंटे तक चालू रहेगा। जिसको भी नाश्ता करना है, ब्रेकफास्ट करना है, जल्द से जल्द कर लीजिए, 11 बजे काउंटर बंद हो जाएगा। रिक्वेस्ट है जिन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है उनके लिए रिक्वेस्ट है कि आपको तुरंत जाके ब्रेकफास्ट काउंटर के जहाँ पर ब्रेकफास्ट करना है, अगले 1 घंटे के लिए काउंटर चालू रहेगा, 11 बजे काउंटर बंद हो जाएगा। थैंक यू। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट का काउंटर चालू हुआ है और रनों का काउंटर भी चालू हुआ है टीम एसएस 11 लेजेंड्स उनके लिए। टोटल स्कोर 1 ओवर की समाप्ति के बाद अच्छी स्टार्ट देते हुए टोटल 1 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा हुआ 10 रन के घर पे, 1 ओवर 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और ये अच्छी गेंद थी, ये अंदर की तरफ आई थी, ड्राइव किया गेंद को सिली मिड ऑन के रीजन में, डॉट गेंद के साथ पहला आगाज अच्छा करते हुए दूसरे ओवर के पहली गेंद पर। और ये एक बार बैक फुट पंच दिया था, गेंद गई थी इस बार सिली मिड ऑफ के रीजन में, अच्छी गेंदबाजी यहां पर देखने को मिलते हुए, तेजी के साथ गेंद टप्पा फड़ने के बाद अंदर की तरफ आते हुए और दोनों बार डॉट गेंदों के साथ अच्छी वापसी कराते हुए अपनी टीम के लिए। और ये बैक टू बैक अच्छी फील्डिंग हाथों में गेंद थी
और यहां पर लगातार तीन डॉट गेंद है शॉर्ट मिड विकेट के रीजन में ये हिट मारा गया था और यहां पर लगातार तीन डॉट गेंदे आते हुए एक दबाव सा बनता हुआ और प्रसाद जी पिछले ओवर में हमने पांच वाइड देखी थी उसकी भरपाई यहां पर करते हुए तीन डॉट गेंद के साथ अच्छा आगाज करते हुए श्रीधर अपनी टीम के लिए बेहतरीन अंदाज में गेंदबाजी करते हुए और यह बैकफुट पांच और बेहतरीन फील्डिंग मौका यहां पर डायरेक्ट हिट बनती तो मौका बन सकता था अच्छा प्रयास बेहतरीन फील्डिंग अपनी टीम के लिए निश्चित रूप से तीन रन यहां पर बचाते हुए श्रीधर की कमाल की गेंदबाजी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए ये खिलाड़ी सात फुट का खिलाड़ी गेंदबाजी करते हुए कमाल की गेंदबाजी और अपनी हाइट का इस्तेमाल करते हुए तेजी का इस्तेमाल करते हुए और गेंदबाजी में लगातार परिवर्तन करते हुए अलग अलग वेरिएशन के साथ में यहां पर गेंदबाजी करते हुए तो बहरहाल स्कोर अभी भी 11 रन उम्दा किस्म की गेंदबाजी यहां पर देखने को मिलती हुई और ये देखिए अच्छी यहां पर ये मौका बन सकता है डायरेक्ट पर मौका बन सकता है अंपायर चेक कर रहे थे चेक किया अंपायर ने चेक किया अंपायर ने चेक किया और नॉट आउट यहां पर करा देते हुए और चेक कर रहे हैं चेक करने दीजिए उसी के साथ ये नॉट आउट करा दिया गया टोटल स्कोर पहुंचता हुआ एक और रन जुड़ता हुआ टोटल स्कोर में 12 रन पहुंचता हुआ आंकड़ा 12 रन के घर पे पहुंचता हुआ रिव्यू लिया गया था और एक इनिंग में एक ही रिव्यू है ऐसा सूचित किया गया है तो यहां पर एक मौका जाया होता हुआ और इस श्रीधर की गेंदबाजों पर दो रन अच्छा तीसरी गेंद और ये अच्छी गेंद थे टप्पा की निकाल अंदर की तरफ आई फ्रंट फुट पर गए ड्राइव या शॉर्ट कवर के रीजन में और उसी के साथ दूसरा ओवर समाप्त दो ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन रन अगले गेंदबाज राजेश यहां पर मैदान पर आते हुए पिछला ओवर काफी कमाल का रहा था काफी किफायती रहा था सिर्फ दो रन पिछले ओवर से आए थे और एक दबाव सा बना के रखा था और उस दबाव में यहां पर खेलती हुई टीम SS11 लेजेंड्स की टीम यहां पर और अब उनके पास मौका है वापसी करने का दो ओवर के बाद 12 रन एक विकेट के नुकसान पर धीरज अभी भी क्रीज पर मौजूद है और टैप किया गेंद को 2D के लिए जाते हुए दो रन छोटी गेंद थी बैकफुट पर पंच दिया टैप कर दिया गेंद को और ऐसा पंच दो रनों के लिए गेंद बाहर जाती हुई दो रन जुड़ते हुए टोटल स्कोर में पहली गेंद पर अच्छा आगाज करते हुए अपनी टीम के लिए बैटर धीरज और यहां पर ऑफ स्टंप पर गेंद थी लेग स्पिन गेंद डाली थी टप्पा गिनने के बाद बाहर की तरफ आई थी इंतजार किया
और एक बार फिर से टैप किया, छोटी गेंद थी, बड़ा मौका था उनके पास में, और एक और टैप, गेंद सीधे जाती हुई मैदान के इस मैदान के बाहर, दो रन जुड़ते हुए टोटल स्कोर में इन दो रनों के साथ आंकड़ा पहुंचता हुआ 16 रन। और पिछले ओवर की भरपाई इस ओवर से करते हुए राजेश के ओवर में बैटर धीरज, और यहां पर लगातार बैक टू बैक दूसरी 2D के रूप में आते हुए छोटी गेंद डाले थे और छोटी गेंद को टैप कर दिया दो रनों के लिए, 18 पहुंचता हुआ टोटल आंकड़ा। और एक बार फिर से गेंद सीधे 2D के लिए लगातार, और यह गेंद डायरेक्ट पहुंचते हुई सीमा रेखा बाहर दो रनों के लिए, दो दो रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 20 रन के घर पे। कमाल की बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिलती हुई, और एक बार फिर से लगातार वार करते हुए, प्रहार करते हुए, अत्याचार करते हुए गेंदबाज के ऊपर। साथ ये तीन ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन पहुंचता हुआ पिछले ओवर में लगातार 4 2-2 के टैप आए थे करण गेंदबाजी के लिए। यहां पर आई अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप पर गेंद को ड्राइव किया, मिड ऑफ के रीजन में गेंद, डॉट गेंद यहां पर आती हुई, अच्छी गेंदबाजी करण की, और यहां पर फॉलो थ्रू में कैच पकड़ने का मौका था, गेंद जाती हुई मिड ऑफ के रीजन में, लगातार दो बैक टू बैक डॉट गेंदें, और ये परफेक्ट ब्लॉक होल में डाली गई डिलीवरी थी, टैप करना चाहते थे, गेंद जाते मिड ऑन के रीजन में, 3 डॉट डॉट डॉट, और यहां पर चौथी गेंद सिली, लगातार डॉट गेंदें, और ये आगे बढ़े रनआउट का मौका यहां पर बन सकता था। कमाल की फील्डिंग, कमाल का एफर्ट यहां पर, तो बहरहाल अच्छी गेंदबाजी यहां पर करण की, और पिछले और लगातार 5 गेंदें डॉट डालते हुए करण एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, और पिछले साल भी हमने देखा था कि कमाल की क्रिकेट उन्होंने खेली थी, और उसी पिछले साल की क्रिकेट को एक साल के बाद भी जो मोमेंटम है उसका बनाए रखते हुए लगातार 5 डॉट गेंदें यहां पर खेलते हुए, और धीरज नौ स्ट्राइकर एंड पर इंतजार करते हुए अगली गेंद का चौथी ओवर 5 गेंदें स्कोर 22। और यहां पर कामयाबी पाई, टैप कर दिया अंतिम गेंद पर, और इसी के साथ ये आंकड़ा पहुंचा हुआ 3 रन के घर पे, तो टोटल ओवर समाप्त 4 और टोटल स्कोर 25। बैटिंग के लिए, और यह भी नहीं कि पहली गेंद फ्रंट फुट पर ड्राइव करना चाहते थे, निचले हिस्से को लगकर पीछे आते हुए, और एक और डॉट गेंद, और यहां पर एक मौका था स्टंपी का, एक मौका बन सकता था, वाइट करा दी गई थी, ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी, भाप लिया था इरादे को बैटर के, और यह फुल टॉस, अच्छी फील्डिंग सीमा पर, आप देखेंगे दोनों प्लेयर साथ साथ फुट के इंतजार करते हुए गेंद का, गेंद रोकने के लिए,
और ये अच्छे फील्डिंग करणजीत की, अच्छे फील्डिंग यहां पर, कप्तान है, नो बॉल जरूर थी लेकिन अच्छे फील्डिंग के साथ ये एक और रन जुड़ता हुआ टोटल स्कोर में आंकड़ा पहुंचता हुआ 26 27। और ये टैप कर दिया दो रनों के लिए, स्कोर पहुंचता हुआ 29 के घर पे, 29 आंकड़ा पहुंचता हुआ। और धीरज, काफी धीरज के साथ यहां पर बल्लेबाजी करते हुए एक और दुआ। और यहां पर देखिए मौका बन सकता है नॉन स्ट्राइकर एंड पर, उसी के साथ धीरज की इनिंग यहां पर समाप्त होती हुई। और यह पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, व्हाइट करा दी गई, 1+1 व्हाइट और 1 डी के साथ दो रन यहां पर जुड़ते हुए टोटल स्कोर में। उनको पता था बैटर आगे बढ़ के मारेंगे तो ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद, फुल टॉस गेंद थी ये, दो रन जुड़ते हुए। और यहां पर आसान सा कैच, बिग 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 बड़ा विकेट यहां पर, बड़ा कैच। मैदान पर प्रियांक, कमाल की डिलीवरी, रफ्तार से गिरफ्तार करते हुए, कोई मौका बैटर के पास नहीं था, प्रियांक के पास, उनका स्वागत किया और कहा वेलकम टू महावीर प्रीमियर लीग। यहां पर नए गेंदबाज, अभी यहां पर गेंदबाजी करते हुए व्हाइट लेग स्टंप के बाहर थी, एक और रन जुड़ता हुआ टोटल स्कोर में, पहुंचा हुआ 32 के घर पे, 32। और यहां पर बैक टू बैक व्हाइट लेग स्टंप पर थी, जाने दिया गेंद को। और यह तीसरी गेंद पर सफलता हासिल की। और यह पहली गेंद पर आकर, पहली गेंद पर टैप कर दिया, गेंद सीधे नारियल के पेड़ के ऊपर जाकर नारियल पानी मांगते हुए दो रनों के लिए, और दो रन जुड़ते हुए टोटल स्कोर में, स्कोर पहुंचता हुआ 35 के घर पे, 35 रन आखिरी ओवर सिद्ध मैदान पर। और नॉन स्ट्राइकर एंड पर प्रियांक, इन दोनों टीम खिलाड़ियों पर काफी सारा दारोमदार। ये मारना चाहते थे, बैकफुट पंच देना चाहते थे, टप्पा गिरने के बाद उछाल लेते हुए विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, डॉट बॉल, अच्छी वापसी। और ये फुल टॉस यहां पर, फुल टॉस, एक ही रन यहां पर मिलेगा, अच्छी फील्डिंग और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट के साथ एक रन मुकम्मल करते हुए दोनों बैटर्स स्कोर पहुंचता हुआ 36। और यहां पर आगे बढ़कर मारना चाहते थे, प्रियांक कदमों का इस्तेमाल किया था,
और एक रन पूरा किया, दूसरा रन लेना चाहते हैं, काफी मुस्तैद वहां पर करणजीत कप्तान टीम आमची मुंबई के, उन्होंने दूसरे रन की संभावना को यहां पर समाप्त करते हुए एक ही रन पर रोका टीम को। 37 पहुंचा हुआ यह आंकड़ा अंतिम ओवर, इस इनिंग का ओवर है लास्ट, और बल्लेबाजी में करना पड़ेगा ब्लास्ट टीम SS 11 लेजेंड्स, उनके लिए अगला मुकाबला राजावत रॉयल्स वर्सेस रॉयल टाइगर। और ये देखिए इंतजार कर रहे थे गेंद का, उनको लगा था लेक्सम को बाहर जाएगी, लेकिन टप्पा गिनने के बाद अंदर की तरफ आते हुए एक रन दौड़कर मुकम्मल पूरा करते हुए दोनों बैटर स्कोर पहुंचता हुआ 39 रनों का राइट एंड राउंड 6 टू गो। एक कॉल आता हुआ हमारे अंपायर ओम दोषी, पहली गेंद लेके धीरज। जीटीसी लाइव के माध्यम से आप इस टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण देख रहे हैं लाइव यूट्यूब चैनल पे जीटीसी लाइव। पहली गेंद लेफ्ट के काफी बार है, और जब तक वहां से गेंद कवर करेंगे वाइट प्लस वन, दो रन यहां पे काउंट किए जाएंगे। पहली गेंद दिशा से भटकते हुए गेंदबाज धीरज, टीम के खाते में दो रन, स्ट्राइक एंड पे विनय। लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन ग्राउंड के ऊपर, अच्छी गेंद ऑन साइड में, गेंद को प्लेस किया, रन आउट का खतरा था वहां पे। चिकी सिंगल कंप्लीट किया तेजी के साथ, कॉन्फिडेंट के साथ इस रन को आगे बढ़ाया, टीम के रन को आगे बढ़ाया, खुद का खाता खोला, निजी खाता खोला विनय ने, रन संख्या पहुंच चुकी हो 3 रन। 6 ओवर में 39 रनों का लक्ष्य इस मैच को जीतने के लिए आमची मुंबई बनाम SS 11 लेजेंड्स के बीच में। टीम ब्लू वर्सेस टीम रेड, स्टंप्स के पीछे कप्तान खुद विकेट कीपर प्रियांक,
वो अच्छी गेंद थी, बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद। यॉर्क लाइन वाइड यॉर्कर किया था इस गेंद को। कॉन्सेंट्रेशन की सख्त जरूरत है खुद कप्तान बल्लेबाज स्ट्राइक एंड के ऊपर करणजीत को। फुल टॉस गेंद है, ड्राइव किया गेंद को, लेकिन खिलाड़ी एग्जैक्टली सामने खड़े हैं सिद्ध। अच्छी फील्डिंग वहां पे, मौका नहीं दे रहे हाथ खोलने का, बड़े शॉट मारने का। हालांकि आगे सलामी बल्लेबाज अच्छे मूड में रहते हैं हमेशा, और खुद कप्तान रह चुके हैं इस मैच के, इस टीम के, तो एक अच्छा प्रयास उनके माध्यम से शुरू है। रन संख्या रुकी है 3 पे। ड्राइव किया गेंद को वहां पे, बेस फील्ड, गेंद डाइवर्ट होती हुई, 1 रन 2 रन, यस 2 रन मिलते हुए शॉट के ऊपर, डिक्लेयर जोन, रन संख्या 5। बैकफुट में चले गए, कैप कर दिया गेंद को पॉइंट के रीजन में, वहां से 1 रन चुरा लिया करणजीत ने। रन संख्या आगे बढ़ती स्कोर कार्ड के ऊपर, वो 6 रन। ओ अच्छा स्ट्रोक, अच्छा स्ट्रोक, अच्छा फ्लिक वहां पे, अच्छा फुटवर्क, 2 रन के लिए शॉट जाता हुआ। इस रन के साथ, 2 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई स्कोर कार्ड के ऊपर। 1 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या हो चुकी वो 8 रन। जेटीसी लाइव की पूरी टीम यहां पे 3 कैमरे के साथ इस टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट करती हुई। गेंदबाजी मोर्चे पे प्रियांक, राउंड विकेट प्रियांक, पहली गेंद करणजीत के लिए। ओ अच्छी स्पिन हुई, क्या बात है, ऐसे ही नहीं, उनका नाम है लीजेंड, और पहले गेंद पे और पूरी तरह से छकाते हुए करणजीत को, बहुत ही खूबसूरत गेंद थी। ओ स्टीयर किया, स्टीयर किया बॉटम हैंड, अच्छा स्ट्रोक ऑफर किया पॉइंट रीजन में, 1 रन वहां पे कवर कर लिया। रन संख्या हो चुके 9 रन, सेंसिबल शॉट प्रियांक, काफी तगड़ा अनुभव उनके पास, उसी अनुभव के सारे गेंदबाजी करते हुए। ओ अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, कॉर्ड बिहाइंड का अपील, और यहां पे स्क्वायर लेग अंपायर ने दिया है आउट, कॉर्ड बिहाइंड।
टेक इट डाउन कॉट बिहाइंड रिव्यू लॉस्ट आमची मुंबई का रिव्यू लॉस्ट हो चुका है अभी आपको रिव्यू नहीं मिलेगा रन संख्या हो चुके वो 9 रन पहला विकेट गिरता हुआ बल्लेबाज आउट हो चुके विनय कॉट बिहाइंड 3 टू गो प्रियांक रेडी सामने बल्लेबाज करण एक अच्छे फुर्तीले खिलाड़ी है करण ओ फुल टॉस गेंद ऑन ड्राइव किया गेंद को 2 रन अच्छा स्ट्रोक ऑफर किया आते आते ही 2 रन के साथ खाता खोला अपना करण ने रन संख्या आगे बढ़ती 2 अंकों में 11 रन वो बैकफुट पे चले गए पंच किया लेकिन वहां पे मिलेंगे जरूर 2 रन कप्तान का अच्छा प्रयास वहां पे प्रीतेश का लेकिन 2 रन यहां पे जरूर मिलेंगे लास्ट बॉल टू गो 1 टू गो ऑन ड्राइव किया अच्छी फील्डिंग वहां पे मौका यहां पे रन आउट का और दोनों हाथों से गवा दिया पूरी तरह से वहां पे स्किड हो गए गिर गए लेकिन वहां पे एक मौका था रन आउट का गेंद डॉट जाती हुई रन संख्या रुकी है स्कोर कार्ड के ऊपर 13 रन दौर की समाप्ति के बाद रन संख्या 13 अभी भी 24 गेंदों का गेल शेष है और 26 रनों की आवश्यकता 24 गेंदे 26 की आवश्यकता थैंक यू क्रीज हीरोज जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे टीम जो क्रीज हीरोज की यहाँ पे मौजूद है ओम दोषी ओम पटेल जीतू आयुष और रवि रावल थैंक यू सो मच गुड जॉब खुद कप्तान गेंदबाजी मोर्चे पे कप्तान वर्सेस कप्तान मैच यहां पे शुरू होता हुआ ओ अच्छी गेंद बहुत ही अच्छी गेंद पूरी तरह से डोमिनेट करते हुए बैट का एज लगने के बाद गेंद निकल गया स्लिक बाइज नो बॉल नो प्लस वन 2 रन यहां पे ऐड किए जाएंगे नो प्लस वन इस 2 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती स्कोर कार्ड के ऊपर वो 16 रन 16 पीछा चल रहा है 39 रनों का 39 जावेद की गरज है ओ बहुत ही अच्छा डिफेंस सेंसिबल क्रिकेट खेलते हुए करण फिर एक बार नो बॉल बिफोर द लाइन गेंद गिरती हुई रन संख्या आगे बढ़ती स्कोर कार्ड के ऊपर वो 17 धीरज ना के कुछ तो जरूर यहां पे कान मंत्र दिया है प्रीतेश को देखना है इंप्लीमेंट कैसे करेंगे अच्छी गेंद वहां पे और वहां पे रनआउट का मौका है गेंद ढूंढते रह गए गणेश और 2 रन का इजाफा टीम के खाते में होता हुआ हाथ को लगने के बाद गेंद चली गई डिक्लेयर जोन में और 2 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती स्कोर कार्ड के ऊपर वो 19 रन 19 ऑन द बोर्ड अच्छा कट किया गेंद को रनआउट का मौका आउट और ये आउट बल्लेबाज आउट कैप्टन डिपार्ट नॉट आउट लाउड अपील वहां पे जरूर की थी लेकिन वहां पे अंपायर ने नकारा एक रन यहां पे जरूर काउंट किया जाएगा रन के साथ आगे बढ़ती हुई रन संख्या आप भी देख रहे स्कोर कार्ड के ऊपर वो 20 रन प्लीज नो आर्गुमेंट्स विद अंपायर
नहीं रिव्यू आपको लेना है तो 15 सेकंड के अंदर लेना है, इतना आपको ध्यान में रखिए, 15 सेकंड के अंदर रिव्यू लेना है आपको। बाकी कोई भी टीम यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करेगी, खास करके जो खेल रही है टीम आमची मुंबई और एसएस 11 डिविजन्स की, किसी भी क्लेयर को यहाँ पे आने की अनुमति नहीं है। अंपायर खुद आके चेक करेंगे रन आउट है कि नहीं। सो डिसीजन अंपायर का आता हुआ रिव्यू यहाँ पे जो लिया था एसएस 11 लीजेंड्स की टीम ने, वो रिव्यू वहां पे वो गवा चुके हैं। दोनों टीम के पास अभी रिव्यू नहीं है। रन संख्या 20, अभी भी 19 रन की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। प्रीतेश तैयार, सामने करण, ओ बॉटम एंड प्लेस किया गेंद को, और जब तक वहां से गेंद उठाएंगे तब तक एक रन का इजाफा टीम के खाते में होता हुआ, सिर्फ एक रन यहां पे करण के खाते में जुड़ा जाएगा और उसी के साथ रन संख्या हो चुकी स्कोर कार्ड के ऊपर वो एक। टाइटल स्पॉन्सर ईट मोटर आर्ट मैन ऑफ द सीरीज के लिए ई साइकिल आपको जरूर देखने को मिलेगी इस टूर्नामेंट। जो भी प्लेयर मैन ऑफ द सीरीज रहेगा, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहेगा, उसको ये साइकिल दी जाएगी, ई साइकिल जो हमने पिछले साल भी देखी थी, बहुत ही खूबसूरत साइकिल होती है ई साइकिल। गेंदबाजी मोर्चे पे गेंदबाज तैयार है वो उमेश, रन बॉल इक्वेशन है 18 गेंदे और 18 रन की आवश्यकता है। फुल टॉस गेंद ने ड्राइव किया, 3 रन मिलेंगे, ब्यूटीफुल स्ट्रोक। जी हाँ मैं जरूर करूंगा यहां पे, क्या मेरे करण अर्जुन आएंगे, और करण आ चुके हैं ग्राउंड के ऊपर। अच्छा स्ट्रोक ऑफर किया करण ने, डेड बॉल, रन संख्या वृद्धि होती हुई, रन संख्या 24 रन 24। मैच को जीतने के लिए अभी भी बैकफुट पे चले गए, ऑन ड्राइव किया गेंद को, खराब फील्डिंग, 2 रन। इट्स अ 26 नाउ, वो ड्राइव किया गेंद को, खिलाड़ी मौजूद है वहां पे, क्विक सिंगल, 1 रन, चिक्की सिंगल यहां पे करने कंप्लीट किया। ओ अच्छा स्ट्रोक, अच्छा स्ट्रोक, अच्छा फ्लिक फ्रॉम श्रीधर, और एक रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती स्कोर कार्ड के ऊपर। रन संख्या हो चुकी है वो 28। बैकफुट चले गए, स्ट्रोक का ऑफर किया, बैकफुट ड्राइव, रन संख्या 29, 10 रनों की आवश्यकता अभी भी है। ओ ऑन ड्राइव, ऑन ड्राइव, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, सेंसिबल क्रिकेट यहां पे दिखाते हुए दोनों बल्लेबाज, पूरी तरह से गेंदबाज को पढ़ के गया, यहां पे बल्लेबाजी हो रही है। आमची मुंबई की टीम ने लिया है बैटिंग पावर प्ले, गेंदबाजी मोर्चे पे खुद ओनर इस टीम के,
एसएस 11 लीजेंड्स के संतोष साटम गेंदबाजी करेंगे, वो श्रीधर को 12 गेंदों में 9 रन यहां पे बचाने हैं। वेगवान को चेंडू, अप्रतिम फील्डिंग, व्हाट एफर्ट फ्रॉम कैप्टन, एक्सेलेंट एफर्ट इन द डीप स्पेशली इन द पावर प्ले। अच्छा स्ट्रोक, चेन ड्राइवर होती हुई और अच्छी फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग वहां पे, क्या रिले फील्डिंग देखने को मिल रही है। चेंडू शिल्लक कहते 10 करायचे ते 9, 8 डावा, 10 चेंडू 8 डावा, ड्राइव किया, अच्छा स्ट्रोक, 4 रन, पहला चौका था हुआ इस टूर्नामेंट का। मैग्निफिसेंट शॉट फ्रॉम करण, व्हाट अ बैटिंग, व्हाट अ शॉट। पावर प्ले का पूरी तरह से फायदा उठाते हुए और क्या स्ट्रोक ऑफर किया, कारपेट शॉट। स्कोर मोशन 35, अभी भी 4 रन की आवश्यकता। फुल टॉस है, ड्राइव किया गेंद को, मिलेंगे पूरे 3 रन, स्कोर इज इक्वल, स्कोर इज इक्वल, 1 रन की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। और क्या आमची मुंबई ने क्या तगड़ा परफॉर्मेंस दिया है पहले मैच में, ओ देखना होगा, गेंद पीछे जाती हुई, मैच विन, मैच विन।